रेसलर से कांग्रेस की नेता बनी विनेश फोगाट ने जुलाना के चुनावी रण में कदम रख दिया है, या कहिए चुनावी कुरुक्षेत्र में आर पार की जंग का बिगुल फूंक दिया है। समर्थकों की भीड़ के बीच विनेश फोगाट का कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ा। इस दौरान किसी मजे हुए नेता की तरह लोगों का अभिवादन स्वीकार करती दिखी। लेकिन सवाल है, क्या विनेश फोगाट जुलाना में कांग्रेस का 15 साल का वनवास खत्म कर पाएंगी? INLD और JJP का तिलिस्म भेदने में कामयाब होगी? क्या जुलाना की बहू कांग्रेस की किस्मत बदलेगी? जींद की जुलाना सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट के लिए चुनौतियां बड़ी हैं। बीते 15 सालों में जुलाना की जनता राज्य की दोनों बड़ी पार्टियां कांग्रेस और BJP को नकारती रही है। कांग्रेस ने आखिरी बार 2005 में जुलाना सीट पर जीत दर्ज की थी। 2005 में कांग्रेस के शेर सिंह जुलाना से विधायक चुने गए थे, लेकिन 2009 और 2014 में INLD ने सीट पर कब्जा जमाया। 2019 के विधानसभा चुनाव में ये सीट JJP के खाते में चली गई। अब तक कांग्रेस सिर्फ 4 बार जुलाना सीट पर जीत दर्ज कर पाई है। मुश्किल ये है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जुलाना में BJP दूसरे नंबर पर रही थी, जबकि कांग्रेस तीसरे नंबर पर खिसक गई थी। ऐसे में विनेश फोगाट के सामने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की चुनौती है। हालांकि उनके पास महिला खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार वाला हथियार है, जिसका इस्तेमाल वो बखूबी कर भी रही है। प्रियंका जी ने एक बात बोली थी मुझे कि हिम्मत नहीं हारना है। जो जवाब आप रेसलिंग मैट से दे सकते हो ऐसे लोगों को, उससे ज्यादा कहीं नहीं मिल सकता है। उस दिन मैंने फैसला किया था कि नहीं, कुश्ती तो दोबारा फिर से करनी पड़ेगी। विनेश फोगाट के लिए अच्छी बात यह है कि जुलाना से उनका भावनात्मक रिश्ता है। उनकी ससुराल जींद के बख्ताखेड़ा गांव में है, जो कि जुलाना विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। दूसरा, रेसलर के रूप में पहचान और पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालिफिकेशन से उपजी सहानुभूति भी विनेश फोगाट के साथ है। जुलाना का कास्ट फैक्टर भी विनेश के विक्ट्री ड्रीम को सच कर सकता है। जुलाना विधानसभा क्षेत्र में करीब 48% जाट मतदाता है। दलित वोटर की संख्या करीब 22% है। OBC मतदाता 17%, ब्राह्मण 5%, राजपूत 2%, बनिया 2% और अल्पसंख्यक मतदाता 4% है। यानी अगर विनेश फोगाट जाट मतदाताओं को साधने में कामयाब रही तो 15 साल बाद जुलाना में कांग्रेस की विजय पताका फहरा सकती थी। अब सुनिए विपक्षी पार्टियां क्या कह रही हैं। कोई भी जब तक खिलाड़ी रहता है तब तक वो सबका प्रिय है। जब वो किसी राजनीतिक दल में चला जाता है उसके बाद वो फिर एक दल का बन करके रह जाता है। दरअसल BJP हो या फिर इंडियन नेशनल लोकदल, विरोधी लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि विनेश फोगाट के चुनावी अखाड़े में उतरने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब विनेश फोगाट के समर्थन में बजरंग पुनिया ने BJP को बड़ी चुनौती दे डाली है। सैनी साहब बोल रहे हैं कि विनेश को कोई भी हरा सकता है, फिर आप लड़ लो खुद जुलाना से, और खुद कभी करनाल से बोल रहे हैं, कभी लाडवा से बोल रहे हैं, तो वेलकम है जुलाना में, आप लड़िए, आप तो स्टेट के मुखिया हैं। बजरंग पुनिया का बयान हरियाणा चुनाव में कांग्रेस का आत्मविश्वास दिखाता है। हालांकि कांग्रेस किसी भी तरह कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं। यही वजह है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की हर मुमकिन कोशिश में जुटी है। खबर है कि कांग्रेस हरियाणा में आम आदमी पार्टी को 6 सीटें दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक जींद, कलायत, पानीपत ग्रामीण, पेहोवा, फरीदाबाद और गुरुग्राम सीट कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को ऑफर की है। हालांकि अभी सीट बंटवारे पर कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली से सटी कई सीटों पर दावेदारी कर रही है, जो कांग्रेस छोड़ने को तैयार नहीं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।